ये एक नया प्रोडक्ट आया है, नया तो नहीं है, खैर एक आध साल हो गया इस प्रोडक्ट को, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे ये प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे आपके लिए। इसके साथ देखिए टाइप सी चार्जिंग केबल आती है, हालांकि ये डॉक्टर रेकमेंडेड नहीं है, बट ये ओटीसी प्रोडक्ट है, यानी कि ओवर द काउंटर बिकता है, बिकॉज ये फैशन प्रोडक्ट है। तो ये इस तरीके की डब्बी है इसकी, ये सामान जो जो आता है इसके अंदर, देखिए सेल्फ चार्जिंग भी है, तो आप इसको चार्ज करेंगे साथ में ये चार्ज होता रहेगा आपको, जैसे एप्पल एयरपॉड है। ये डिफरेंट साइज ऑफ ईयर पीसेज हैं इस तरीके से, स्मॉल मीडियम लार्ज, तो आपका जो सेट होएगा कान के अंदर, और एक इसके अंदर साथ में आता भी है, तो तीन यहाँ हो गए, तीन पेयर और एक लगा हुआ, तो चार पेयर टोटल आपको मिलेंगे। साथ में इसका यूज़र मैनुअल है इस तरीके से, दो इसके साथ ये यूज़र मैनुअल आता है पूरा, जो काम के पॉइंट्स हैं वो फोटोग्राफ तो आप समझ ही गए हैं, कंटेंट्स क्या क्या हैं इसके अंदर, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, जैसे कि इसका मैक्सिमम जो आपको देगा ये मैक्सिमम आउटपुट है लेस देन 150 dB, बट 90 dB का इसके अंदर रिसीवर है, जो कि 90 dB का आउटपुट देता है, विच डज अ मास्किंग फॉर बिलो 115। इसके अलावा इसके अंदर वर्किंग करंट है 10 mA का, उसके बाद इनपुट नॉइस है 32 dB की, जो कि बहुत ही अच्छी है, ऑलमोस्ट ANC है इसमें, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन है। फिर प्ले टाइम 5 आवर्स का है इसके अंदर, 5 आवर्स का प्ले टाइम मतलब फुल टाइम, अगर आप इसको म्यूजिक या उस पर ब्लूटूथ से कनेक्टेड रख रहे हैं, अगर सिर्फ हेयरिंग एड यूज़ करें तो डबल हो जाएगा टाइम आपका। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है, विच इज़ कंपेटेबल विद ऑल एंड्रॉयड एंड आईफोन यूजर्स। फिर यहाँ पे आप देखिए ये सारी डिटेल्स दे रखे हैं, इसमें कॉल भी आप आंसर भी कर सकते हैं, एंड भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक योर एयरपोर्ट। तो जब आप ये सब चीज़ें पढ़ लेंगे यू विल बी बेटर इन कमांड ऑफ द डिवाइस जो आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे ऐप है इसकी, ऐप का नाम थोड़ा सा अलग सा है, Axon CNAI। तो ये Axon CNAI जो है ये ऐप है, ये बारकोड स्कैन करेंगे तो भी आ जाएगा, नहीं तो ये टाइप करें आप एंड्रॉयड सिस्टम पे और एप्पल पे सेम ऐप है, तो दोनों पे आ गई आपके, ठीक है, ये पेयर कर लेंगे आप। इसके बाद इसमें आपको यहाँ पे मोड्स मिल जाएंगे अलग अलग, कि आप कभी ऑटोमेटिक मोड में हैं या रेस्टोरेंट में हैं, म्यूजिक मोड में। यहाँ पे दोनों के वॉल्यूम कंट्रोल आ जाते हैं सेपरेट, इसके ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये वॉल्यूम कंट्रोल्स आ गए। यहाँ पे इक्वलाइजर सेटिंग्स भी हैं, तो ये इक्वलाइजर सेटिंग्स भी हैं, पहली जो दो हैं वो पास की फ्रिक्वेंसीज हैं, बाकी की बीच वाली मिड फ्रिक्वेंसीज हैं, और ये दूर की आवाज़ है, दूर की फ्रिक्वेंसीज हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो टच पैनल है, इसके अंदर जो फंक्शन है वो बहुत बढ़िया है, इसमें आप देखिए ये यूज़र मैनुअल है मशीन में, अगर आप ये वाला देखेंगे टच पैनल, तो ये टच पैनल है, टच पैनल का मतलब है ये सेंसिटिव है कॉल उठाने काटने के लिए, जैसे ये ब्लू वाला है, ब्लू वाला इसमें रेड दिखा रखा है फोटो, बट ये ब्लू वाला ये ऐसे लगाएंगे आप, तो ब्लू है वो लेफ्ट में लगेगा, और जैसे आप लगाएंगे ऑन हो जाएगा। अब जैसे इस टाइम पे ये मशीन ऑन हो चुकी है, मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दे रही है, गूंज नहीं रही है, बहुत अच्छी सुनाई दे रही है। अब जब मुझे वॉल्यूम ट्यूब पर जाना है और मेरे पास मोबाइल नहीं है, कोई एल्डरली है आपके घर में, तो उनको बस ये ब्लू वाला जो है यहाँ पे टच करना है, तो वॉल्यूम ट्यूब आ गई, अभी मैं सुन पा रहा हूँ, शायद आप सुन पाएंगे कि नहीं, मैं एक बार माइक्रोफोन पे लगाता हूँ इसके डिवाइस के, चालू रखना आप। शायद सुनाना मुश्किल होगा इसको, अभी जैसे मिनिमम वॉल्यूम पे आ गए, तो दोनों साथ साथ अप डाउन होएंगी ये आवाज़, इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर आप करेंगे तो ये नहीं चलेगा, ओनली वन विल वर्क, ठीक है। तो ये हो गई, इसके बाद दूसरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ये आप सर्च कर सकते हैं। चार्जिंग टाइम इसका ऑलमोस्ट 2 आवर्स है, ऑलमोस्ट, लेफ्ट की लेफ्ट में लगाएं, राइट यहाँ लिखा हुआ है आर और एल लिखा हुआ है, राइट की राइट में लगाएं, को बंद कर दें, ये चार्जिंग स्टार्ट हो गई है वापस इसकी, ठीक है। आप इसको यूज करके देखिए, ये बहुत बढ़िया डिवाइस है, बट अगेन डॉक्टर रेकमेंडेड नहीं है, ये डिजिटल हेयरिंग एड नहीं है, ये एक ओटीसी प्रोडक्ट है, इसका कोई वो नहीं पता कि कान सही करती है खराब करती क्या करती, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी सेट नहीं है, इसकी एम्पलीफिकेशन स्टैंडर्डाइज है, तो हालांकि डिमांड है प्रोडक्ट की, इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए इसके ऊपर, बट ना हम इसको खरीदने की सलाह देते हैं ना इसको लगाने